अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात हजतम यानी आठवीं जमात की उर्दू ग्रामर में से हम मज़मून शेयर कर रहे हैं, जलसा तकसीम इनामात। यूं तो हर तालीमी इदारे में आम तौर पर कई अदबी और तालीमी हल जलसे मुनक्कद किए जाते हैं, लेकिन इन जलसों में सबसे अहम जलसा तकसीम इनामात होता है। इस जलसे में काबिले ज़िक्र कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात दिए जाते हैं। हमारे स्कूल में भी हर साल जलसा तकसीम इनामात मुनक्कद किया जाता है, लेकिन इस साल मुनक्कद किया जाने वाला ये जलसा पिछले तमाम जलसों से ज़्यादा पुरलुत्फ और मुनफरिद था। इंतजामात इस जलसे की तैयारी कई रोज़ कबल से ही की जा रही थी। स्कूल को नए सिरे से सफ़ेदी करवाई गई। स्कूल में हर तरफ जोश व खरोश दिखाई देता था। स्कूल की इस तैयारी में किसी ना किसी तरीके से हर कोई हिस्सा ले रहा था। इस जलसे की ख़ास बात यह थी कि पहली मर्तबा खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी इनामात रखे गए थे। जलसे में हिस्सा लेने वाले तलबा भरपूर तैयारियाँ कर रहे थे ताकि जलसे को हर लिहाज से कामयाब बनाया जा सके। जलसे की कामयाबी के लिए हेडमास्टर साहब खुद बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे थे। इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन को इस जलसे में शिरकत की दावत दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब मेहमान खसूसी थे। उन्हें ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था। यह जलसा 1 अप्रैल को मुनक्कद होना था। तलावतो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा खुदा करके जलसे का दिन आ पहुंचा। हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस था। स्काउट्स भी अपनी साफ सुथरी वर्दी में चाको चौबंद खड़े थे। स्टेज एक खुली जगह पर बनाया गया था। मुअज्ज़ज़ मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी गई थीं। जमात हजतम के एक तालब इलम ने तलावत कुरान पाक से जलसा का बकायदा आगाज़ किया। इसके बाद नहम जमात के दो बच्चों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। सेक्रेटरी साहब ने तमाम मुअज़्ज़ज़ीन को खुश आमदीद कहा। तकसीम इनामात, फिर इनामात तकसीम करने का मरहला शुरू हुआ। सबसे पहले उन तलबा को इनामात दिए गए जिन्होंने अपनी अपनी जमात में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इसके बाद उन तलबा को इनामात दिए गए जिन्होंने पूरे स्कूल में आला कारकर्दगी दिखाई थी। मजाहिया ड्रामे, नज़में, खाके वगैरह। जलसे के दौरान मजाहिया नज़में, खाके और शेर व शायरी भी होती रही। हाज़रीन ने जलसे से भरपूर लुत्फ़ उठाया। मेहमान खसूसी ने ड्रामे और खाके पेश करने वालों की हौसला अफजाई की। इसके बाद खेलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात दिए गए। स्कूल की सालाना रिपोर्ट, आखिर में हेडमास्टर साहब ने स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश की और शिरकत करने वाले हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मेहमान खसूसी ने मुख्तसर ख़ताब किया और इनामात हासिल करने वाले तमाम तलबा को की कामयाबी को सराहा। उन्होंने कामयाब तलबा को आइंदा भी मुसलसल मेहनत करते रहने की तलकीन की। ये जलसा करीबन 4 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन की चाय और मिठाई से तवाज़ा की गई। वाकई ये एक शानदार तकरीब थी जो बरसों में हमें याद रहेगी। बहुत ही अच्छे अंदाज से जलसा तकसीम इनामात पर ये मज़मून लिखा गया। इसे आप पढ़ें और ज़हन नशीन करें और अपना इम्तहानात की तैयारी का सिलसिला जो है
वो बखूबी अच्छे अंदाज से सर अंजाम दें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।